नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत परिषद हमेशा अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते चला रहा है। आज रविवार को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बिजू यादव ने अपने आवास पर सबसे पहले ध्वजारोहण कर भारत परिषद संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं, संघ, देश व समाज सेवा का संकल्प लेते हुए दो युवाओं को माल्यार्पण कर संगठन का पदाधिकारी बनाकर अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बिजू यादव ने संकल्पित कराया। जोल किशोर सिंह को युवा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ व मोनू यादव को पूर्वांचल उपाध्यक्ष बनाया गया। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर जगह मनाया जाता है। आज उसी क्रम में हमारे इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर यह कार्यक्रम, झंडारोहण का कार्यक्रम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मनाया गया है। भारत परिषद की तरफ से क्या किया गया है? देखिए, भारत परिषद संगठन, उसका मैं प्रदेश महासचिव हूँ। भारत परिषद संगठन का जो अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। जब देश हमारा गुलाम था तब भी देश के क्रांतिकारियों ने इसी अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके देश को आज़ाद कराया। हम लोग आज़ाद देश में भी जो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ भारत परिषद जो एक गैर राजनैतिक संगठन है उसके थ्रू हम लोग लड़ करके आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी घूस लेता है उसको रंगे हाथ गिरफ्तार करवा करके जेल की सलाखों में हम लोग डलवाते हैं। हमेशा देश सेवा और समाज सेवा के प्रति हम लोगों की रुचि रहती है और यही कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आज इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, पावन पवित्र दिन पर, मैं भारत परिषद संगठन की तरफ से दो युवाओं को समाज सेवा, देश सेवा के प्रति प्रेरित किया हूं